राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रसिद्ध जागेश्वर की यात्रा के बाद इस धाम को पांचवें धाम के रूप में मान्यता मिल गई है। इससे न केवल क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के नए नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जागेश्वर यात्रा के बाद पांचवा धाम भी विकसित हो गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जागेश्वर धाम को मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। वहीं बता दें कि जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान लागू होने से मंदिर का सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार होगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, बहुत ही अच्छी पहल है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कि उन्होंने मानस खंडमाला मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सारे तीर्थ मंदिर अगर आप देखेंगे तो गढ़वाल में स्थित है। कुमाऊं को बढ़ाने के लिए और कुमाऊं में पर्यटक स्थल स्थापित करने के लिए, पर्यटन को रुझान देने के लिए जिस प्रकार से ये मानस खंडमाला मिशन चला है, इससे सारे कुमाऊं के मंदिर और डेवलप होंगे और वहाँ टूरिस्ट आएंगे। और जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओम पर्वत और जिस जिस जगह पर यहाँ पर पिथौरागढ़ में गए, इतनी सारी 4,800 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाएं लागू करी हैं और जिस प्रकार उसका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में छोलिया नृत्य और यहाँ पर सांस्कृतिक वेशभूषाओं को लेके वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जिस तरह नाम दर्ज हुआ है, वो साफ दर्शाता है कि किस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को खासा एक लगाव रखते हैं और एक अपना प्यार देते हैं। ऑल वेदर रोड ले लीजिए, चाहे कुछ भी यहाँ उत्तराखंड का डेवलपमेंट ले लीजिए, वो लगातार तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे लोग और जो बाहर चले गए थे पलायन से, वो वापस यहाँ लौट कर आ रहे हैं और अपने स्वरोजगार में और चीज़ों में बढ़ावा करते हुए उत्तराखंड का विकास होता जा रहा है और होता रहेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार।